हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। आज मैं आपको हमारा विद्यालय का प्रोजेक्ट कार्य 4 कराऊंगा। तो चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इस महामारी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हमें लिखना है COVID-19, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कोरोना वायरस। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इस महामारी का पहला मामला या केस किस देश में पहचाना गया? तो उस देश का नाम लिखना है, यानी कि चीन। चीन में इसका पहला केस पहचाना गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इस महामारी के सामान्य लक्षणों को लिखिए। तो लिखते हैं, पहला है बुखार आना, दूसरा है सरदर्द, सर्दी, जुकाम होना, तीसरा है सांस लेने में दिक्कत होना, चौथा है ऑक्सीजन का कम होना, पांचवा है खांसी होना, और छठा है सीने में दर्द होना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो पहला प्रश्न है सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए, दूसरा है हाथों को बार बार धोना चाहिए, तीसरा है चेहरे और आंखों को हाथों से नहीं छूना चाहिए, चौथा है गुनगुने पानी को पीना चाहिए, पांचवा है मास्क पहनना चाहिए, और छठा है हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, और सातवा है हाथों को सैनिटाइजर करना चाहिए। अगला प्रश्न करते हैं, पांचवा प्रश्न है, इस महामारी से बचाव हेतु कौन से उपाय करने चाहिए? पहला है 2 गज की दूरी बनाए रखें, दूसरा है मास्क पहने, तीसरा है हाथों को साफ रखें, चौथा है खांसते या छींकते समय मुंह को ढको, पांचवा है साफ सफाई रखना चाहिए, छठा है हल्दी वाले दूध का सेवन करें, सातवां है गुनगुने पानी को पिए, आठवां है टीकाकरण योग्य हो तो टीका अवश्य लगवाएं। ये इसका पांचवें प्रश्न का आंसर है। ठीक है बच्चों, छठवां प्रश्न करते हैं। छठवां प्रश्न है, यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित हुआ, अर्थात किसी को यह बीमारी हुई है, तो मरीज घर में ठीक हुए या अस्पताल में मरीज को घर में रखने पर कौन सी सावधानियां परिवार के लोगों ने रखी, लिखिए। इसका पहला पॉइंट है, मरीज को अलग कक्ष में रखा गया था। दूसरा है, वे सदैव मास्क पहनकर रहते थे। तीसरा है, उनका खाना उनके रूम में दिया जाता था, उनका बाथरूम अलग था। पांचवा है, उनके किसी भी सामान को स्पर्श नहीं किया जाता था, आवश्यक होता तो ग्लव्स का उपयोग करते थे। छठा है, यदि कोई मरीज के कमरे में जाता तो मास्क व किट पहनकर ही जाता था। सातवा है, हैंड वॉश का उपयोग किया गया। आठवा है, सैनिटाइजर का नियमित उपयोग किया गया। बच्चों, आप इसमें अपनी मर्जी से और भी पॉइंट जोड़ सकते हो जो आपको अच्छे लगते हो। ये प्रोजेक्ट कार्य 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।